हिंडनबर्ग डिजास्टर May 6, 1937 में यहाँ पे हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप था जो कि यहाँ पे तब का सबसे बढ़िया मोड ऑफ ट्रैवल था। इसी के साथ ये जो जर्मन एयरशिप था यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पे ये लैंडिंग के लिए जा रहा था नेवल एयर स्टेशन लेकर्स न्यू जर्सी में, और यहाँ पे इसमें करीब 97 पैसेंजर्स भी थे। इसी के साथ ये बहुत बड़े अमाउंट में हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था जो कि यहाँ पे इसको उड़ने में मदद करता था। बट जैसे यहाँ पे लैंडिंग के समय हिंडनबर्ग लैंड करने वाला था, यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे विटनेसेस बताते हैं कि यहाँ पे उन लोगों ने इसके टेल फिन से बहुत सारा फ्लेम और यहाँ पे स्मोक आते हुए देखा, जिसके बाद यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट था ये पूरा ही फ्लेम्स में लपट गया और इसके साथ इसको जलने में टाइम नहीं लगा और यहाँ पे पूरा बर्बाद हो गया। और ये जो नाम था यहाँ पे जर्मन प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पे रखा गया था। और इसी के साथ आज आप लोग देखते होंगे यहाँ पे एक ग्रुप है हिंडनबर्ग ग्रुप जो कि यहाँ पे रिपोर्ट लाता है कंपनीज के बारे में और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में डिजास्टर्स भी लाती है उसकी रिपोर्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे हिंडनबर्ग डिजास्टर जो है इतना ज़्यादा फेमस है और उसी के नाम पे ये हिंडनबर्ग ग्रुप भी है।